Hey guys, welcome to my third lecture of economic and social issues series. तो इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर आता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों डिक्लाइन कर रहा है और जो इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये लॉन्च करी जाती हैं ऐप्स जो भी लॉन्च करेंगे, ये मैंने सारी इसमें डिस्कस करी है डिटेल में। और इसीलिए मैंने ऐप्स के लिए एक नया अलग वीडियो नहीं बनाया था ताकि आपको ये पता चले कि ये किस तरह से ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये आप सबको सीख लेंगे सब चीज़ें कि ये किसान सुविधा ऐप है, इसका लॉन्च का मकसद क्या था। और इसीलिए मैंने इसको इसमें ही रखा ताकि आप अच्छी तरह से जान लें और उसमें फिर एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब एग्रीकल्चर कैसा था और आज जो है डिक्लाइन कर रहा है तो क्यों सीरियस गवर्नमेंट उस पर एम्फेसाइज कर रही है बार बार। और पुराने ज़माने में क्या होता था, जो जमींदारी सिस्टम थी जो और बहुत सारे सिस्टम चलते थे और वो क्यों इससे हटाया, क्योंकि वो होता क्या था कि जमींदार कोई भी किसान से ले किसान को दे देते थे लोन टाइप का और उस पे ब्याज बढ़ाते रहते थे, किसान को इतना आइडिया होता नहीं था तो उसका फिर खेत वो हड़प लेते थे। इसलिए ये सारी चीज़ें लानी पड़ी गवर्नमेंट को, ये सारी बैंक हैं। और इसी बात में आप रिलेट करिएगा कि FCI का क्यों जन्म हुआ, FCI क्यों एग्जिस्टेंस में आया, जब 1964 की क्राइसिस आई, मैंने वो भी डिफाइन किया हुआ है इसमें, 1964 की क्राइसिस आई तो फिर इसके बाद FCI आया, FCI के बाद फिर नाबार्ड आया, जब फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए प्रोडक्शन करने के लिए फिर लोगों को पैसा चाहिए तो फिर नाबार्ड आया, नाबार्ड को 1982 में आया और इसी हिसाब से फिर मतलब। और अब आज क्यों सीरियस कंसर्न है एग्रीकल्चर के लिए और NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उनके क्या आंकड़े बोलते हैं कि दिन पर दिन ये जो है रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इसमें दिखाया मैंने काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ऐसे तो बता नहीं सकता उनको, आप पढ़िएगा तो सही, अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं और डिटेल में बताऊँगा। तो ये आप इस सब चीज़ों को रिलेट कर लेंगे और इसमें फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, नोट्स बना रहा था लेकिन काफ़ी मैं टायर्ड हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, बाकी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, कोशिश कर रहा हूँ पूरी कर लूँगा। और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री की और क्यों होनी चाहिए इंडस्ट्री, एक इकोनॉमिक ग्रोथ करती है और क्यों सिर्फ एक इंडस्ट्री पर हम लोग एक कंट्री पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेनेजुला ने किया, वो एक इंडस्ट्री पे डिपेंड रहा और आज वहाँ इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन, 200% इन्फ्लेशन, आप सोच सकते हैं किसी चीज़ के लिए इतनी महंगाई हो गई। और रीज़न ये था कि यार लोग पास पैसा है लेकिन जो प्रोडक्शन वो है नहीं, पैसा तो आ गया तेल बेच बेच के लेकिन जो तेल कंपनियों को इतना घाटा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, कम तेल की इतनी ज़्यादा हो गई डिमांड तो कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है रेट तो गिरना ही है, तो वही क्राइसिस। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे तो क्राइसिस तो आ ही जाएगी, यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं को आप रिलेट करके देखिए, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलेट कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने इसी में डाला कि क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे और क्यों लॉन्च किए गए थे, इसका मकसद क्या था। वाटर सेड जैसे है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब अगर मैं यहाँ पे इसको अलग बनाता और वाटर सेट बताता आपको नहीं समझ में आता, लेकिन आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि वाटर सेट होता क्या है और क्यों ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप कह रहे हैं कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल, तो ये क्यों, ये रीज़न इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारे बैकड्रॉप पीछे से चलता है, क्यों इरिगेशन में डैम बनाए जाते हैं, क्यों इस सारी चीज़ें करी जाती हैं, छोटे से तालाब बनाए जाते हैं, तो यही सब चीज़ें। और फिर ये मैंने ट्रेंड देखा है, एक 1990 में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 30% था और आज ये 4.1% रह गया और एक टाइम तो ये माइनस में भी चला गया था, तो वही इस ग्राफ के थ्रू एक्सेल में मैंने तैयार करके इसको किया था डेटा फीड करके। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, और ये आप प्लान में भी देख सकते हैं, 8th प्लान में 4.8 GDP कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की, फिर 2.5, फिर 2.4, इस बार थोड़ी बड़ी है तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादा एम्फोसाइज करे ज़्यादा से ज़्यादा सब में।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बस इतना ही है इसमें, आप इसको पढ़िए और समझिए, और बाकी मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।